हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स रिलेटेड थ्योरम। यानी कि अगर ट्रायंगल्स का बेस सेम हो और एक ही पैरेलल्स के बीच में लाई करें, सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करें तो क्या होगा, उनसे रिलेटेड हम लोग आज की क्लास में थ्योरम देख रहे हैं। थ्योरम नंबर वन देखिए, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तब वो क्या होता है जी, इक्वल एरिया होता है। अगर दो ट्रायंगल दोनों का बेस सेम हो और दोनों एक ही पैरेलल सेम पैरेलल के बीच में लाई करें तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, यहां पर मैंने दो ट्रायंगल बना लेता हूं जिनका एक ही बेस है, ठीक है। यहां पर एक मैं बेस ले लेता हूं, इस पर एक ट्रायंगल यहां पर बनाता हूं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल जो है मैं इधर बना लेता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक का नाम देते हैं हम लोग ए बी सी और दूसरे का नाम देते हैं यहाँ पे, मान लो यहाँ पे पी में देता हूँ, पी बी सी। ये दो ट्रायंगल हैं, दोनों का बेस सेम है और दोनों एक ही पैरेलल के बीच में भी लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे पैरेलल भी दिखा देता हूँ कि एक ही पैरेलल के बीच में है। यहाँ पर हमारे पास ये ए पी, ये पैरेलल है बी सी के, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्या गिवन है पहले इसको लिख लेते हैं और क्या प्रूफ करना है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास यहाँ पे कि टू ट्रायंगल्स कौन कौन से जी, तो ए बी सी एंड पी बी सी ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस, सेम बेस दोनों का क्या है जी, दोनों का सेम बेस है बी सी, एंड बिटवीन द सेम बिटवीन द सेम पैरलर लाइन्स बी सी एंड ए पी, दोनों सेम पैरलर एंड बी सी एंड ए पी के बीच में है, ठीक है ना जी। तो हमें क्या प्रूव करना है कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, दोनों ट्रेंगल में, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी जो होगा ना इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेंगल पी बी सी के, ठीक है ना जी। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे हम लोग दो पैरेलोग्राम फॉर्म करेंगे। तो सर मैं फिगर को इधर ले लेता हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके देखिए क्या करता हूँ मैं। यहाँ पर एक पैरेलोग्राम मैं बनाता हूँ इधर के तरफ, सीए के पैरेलल यहाँ ड्रॉ करके, सीए के पैरेलल इधर ड्रॉ कर देता हूँ और इसको आगे इधर प्रोड्यूस कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से ये पैरेलोग्राम बन जाएगा। इसका नाम यहाँ पे मान लो मैं दे देता हूँ यहाँ पे डी, बन गया ये ए सी बी डी, ये एक पैरेलोग्राम बन गया, ठीक है। इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से मैं दूसरा एक और पैरेलोग्राम बना लेता हूँ इधर की तरफ, इस बी पी के पैरेलल सी से यहाँ से ड्रॉ करके, ठीक है, और इसको आगे प्रोड्यूस कर देता हूँ। इसको भी मैं डॉटेड कर देता हूँ क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन है, फिर उसके बाद देखिए क्या करते हैं। चलिए, इसका नाम यहाँ पर मैं देता हूँ, मान लीजिए इधर ई देता हूँ, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, पहले इसको यहाँ पे लिखना होगा ना जी। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, बी से पहले ड्रॉ किया है, थ्रू बी ड्रॉ यहाँ पर बी डी पैरेलल टू सी ए, है ना। चलिए, जो कि आगे चल के इसको पी ए को प्रोड्यूस करने पर ये डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग पी ए प्रोड्यूस्ड इन डी, ठीक है, पी ए को प्रोड्यूस करने पर ये डी पे इंटरसेक्ट करता है। फिर आगे क्या लिया है, एंड थ्रू सी ड्रॉ क्या है जी, सी ई पैरेलल टू बी पी, ये सी ई पैरेलल टू बी पी है ना जी। इंटरसेक्टिंग किसके जी, इंटरसेक्टिंग ए पी प्रोड्यूस्ड इन ई, इसको प्रोड्यूस करने पे ई पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। चलिए, अब इसका प्रूफ देखिए, हमने जो यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिया है
हमने यहाँ पर लिया है कि बी डी है पैरेलल सी ए के, ये कंस्ट्रक्शन से है, ठीक है। तो आप बी डी पैरेलल है सी ए के, ये बी डी सॉरी बी डी पैरेलल है सी ए के, और आपके पास ये भी तो लिख सकते हैं ना जी, डी ए पैरेलल होगा बी सी के। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिया है कि ए पी पैरेलल है बी सी के, ये ए पी बी सी के पैरेलल है, तो ये डी ए भी तो पैरेलल हो जाएगा ना बी सी के, इसका मतलब ये पैरेलोग्राम बन जाएगा कि नहीं। देयरफोर यहां ए सी बी डी इज अ पैरेलोग्राम। सिमिलरली सिमिलरली आप देख लो, यहां हमने सी ई पैरेलल खींचा है बी पी के, ये कंस्ट्रक्शन से। अच्छा, और ये आपका ये जो पी ई देख रहे हैं ये भी पैरेलल हो जाएगा बी सी के। क्यों? क्योंकि हमारे पास है ए पी पैरेलल बी सी, तो ये भी पैरेलोग्राम बन जाएगा यहां पर। कौन सा जी? इसका नाम देख सकते हैं यहां पर पी बी सी ई, ठीक है ना जी। देयरफोर पी बी सी ई इज अ पैरेलोग्राम, तो ये भी एक पैरेलोग्राम हो गया। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि पैरेलोग्राम का अगर बेस सेम हो और एक ही पैरेलल के बीच में हो तो उनका एरिया इक्वल होगा। तो यहां पे देख सकते हैं कि पैरेलोग्राम्स कौन कौन से जी, ए सी बी डी एंड पी बी सी एफ सी ई सॉरी सी ई आर ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस बी सी एंड एंड बिटवीन एंड बिटवीन द सेम पैरलर सेम पैरलर्स बी सी एंड डी ई, तो इन दोनों का एरिया इक्वल नहीं हो जाएगा जी? बिल्कुल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेलोग्राम कौन सा जी? ये वाला ए सी बी डी इक्वल टू में एरिया ऑफ पैरेलोग्राम पी बी सी ई, ठीक है ना जी। चलिए इसके बाद देखते हैं, हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू इन बोथ साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। वन बाई टू ऑफ एरिया ऑफ पैरेलोग्राम ए सी बी डी, और इधर हो जाएगा वन बाई टू ऑफ एरिया ऑफ वन बाई टू ऑफ एरिया ऑफ पैरेलोग्राम पी बी सी ई। अब देखिए, हम जानते हैं कि पैरेलोग्राम का जो डायगोनल होता है ना उसे दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, या पूरे क्या है वो हाफ हो जाएगा। हम लोग देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ए सी बी डी में देखिए, इसमें एस ए है ना, ए बी डायगोनल है, ए बी इज द डायगोनल ऑफ पैरेलोग्राम ए सी बी डी, और इसमें देखिए इस वाले में ये आपका ये है पी सी इज द डायगोनल डायगोनल ऑफ पैरेलोग्राम पी बी सी ई। अच्छा, ये पैरेलोग्राम के डायगोनल्स है तो वो हम लोग जानते हैं कि वो दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये जो होगा इस ट्रायंगल का एरिया इस पूरे का हाफ होगा, यानी लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा इधर इसका हाफ, तो ये हो जाएगा है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, ऐसा लिख सकते हैं। या आप यहाँ पे चाहो तो ये भी रीजन लिख सकते हो कि पैरेलोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना वो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, है ना जी। यहाँ लिख सकते हैं याद रखने के लिए, वी नो डैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेलोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ऐसे आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट, है ना। तो यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर टू, ट्रायंगल्स हैविंग द इक्वल एरिया एंड हैविंग वन साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल टू द वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स आर इक्वल।
अच्छा क्या कह रहा है कि ट्रायंगल्स के जब इक्वल एरिया हो और उनके एक साइड जो है दूसरे वाले ट्रायंगल के एक साइड के इक्वल हो, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी इक्वल होंगे, यही हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। ठीक है ना जी? तो हम लोग यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक का नाम ले लेते हैं यहाँ पर ए बी सी और दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर डी ई एफ। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का एरिया इक्वल है और बी सी जो है ई एफ के इक्वल है, ऐसा सपोज कर लेंगे, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो मैं यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी इनके दिखा देता हूँ। ठीक है ना जी? ये एल्टीट्यूड हो जाएगा ये, और यहाँ पे ये, इसका नाम दीजिए एम और यहाँ पे एम दे दीजिए। चलिए पहले गिवन क्या है इसको लिख लेते हैं। गिवन है कि इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, एंड डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, दोनों ट्रायंगल में इनके एरिया इक्वल दिए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अच्छा, एरिया इक्वल है और इनका कोई भी साइड जो एल्टीट्यूड वाला है उसी को लेते हैं, एल्टीट्यूड के कॉरस्पॉन्डिंग बी सी एंड ई एफ इक्वल है। टू प्रूव इसका एल्टीट्यूड भी इक्वल होगा, ए एम जो होगा ना यह डी एन के इक्वल होगा। तो ये गिवन में ले लेते हैं कि एल्टीट्यूड है, यानी कि ए एम परपेंडिकुलर है बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर है हमारे पास ई एफ, ये लिख देते हैं इसमें। चलिए हमें ये एल्टीट्यूड इक्वल दिखाना है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है ना इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो हम लोग क्या जानते हैं जी एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, क्या जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/2 बेस और इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट, यही ना होता है जी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, 1/2 बेस बी सी और इंटू में हाइट आपका ए एम, एल्टीट्यूड 1/2 ई एफ और यहाँ पर हो जाएगा एल्टीट्यूड आपका डी एन। 1/2 से 1/2 हटा देते हैं। अब देखिए हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि बी सी जो है ना इक्वल है ई एफ के, तो इस बी सी को हटाकर ई एफ ही लिख देते हैं और इंटू में ए एम, और उधर देखिए क्या है ई एफ और इंटू में आपका डी एन, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ए एम इक्वल टू में डी एन आ जाएगा। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना है, एल्टीट्यूड इक्वल हो गया। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि कांत सर, भारती भवन रवि कांत सर, रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर, आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।